गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केरला क्रू स्कूल। आज हमारा क्लास टू का मैथ्स, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उस वाले चैप्टर का आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो मैंने होमवर्क दिया था, तो आई होप सारे लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज सिक्स का मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन से सेवन तक दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 24 एंड 62। तो एंड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, एंड का मतलब भी प्लस ही होता है यहाँ, क्योंकि हमारा यहाँ हेडिंग दिया हुआ है एट। इसमें 24 एंड 62 देखने पे क्या करना है, हम लोगों को एड कर देना है। तो 24 प्लस 62, इस तरह अगर हम लोग प्लस करते हैं तो फिर वंस को वंस के साथ और फिर टेंस को टेंस के साथ हम लोग प्लस करेंगे। तो 4 और 2 को ऐड करने पे क्या हो जाता है, हमारा आंसर 6, और 6 और 2 को ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 86। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। 203 एंड 60, फिर से यहाँ ऐड है, इट मीन्स की ऐड होने वाला है 203 प्लस 60। और अगर हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं तो फिर से वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, ठीक है, और 100 को 100 के साथ। तो 3 और 0 को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आता है, 3, क्योंकि किसी भी डिजिट में 0 अगर ऐड करने पे वही डिजिट होता है, ठीक है। फिर 6 0 6 और 2, और इधर 100 के प्लस तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स की 2 का हम लोग 2 ही लिखेंगे। तो 203 प्लस 60 करने पे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 263। नेक्स्ट है जी नंबर, यहाँ ऐड हम लोगों को डिजिट में मिला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वो नंबर नेम मिला हुआ है, तो उसको हम लोगों को समझ के ऐड करना है। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास नंबर नेम क्या है, 312 एंड 140। तो फिर से एंड है, इट मीन्स की एड करना है। तो हमारे पास नंबर नेम क्या लिखा हुआ है, पहले 312, तो सिंपली हम लोग 312 को इस तरह से लिख देंगे, प्लस नेक्स्ट है 140। इसको आपस में अगर एड करते हैं हम लोग, तो वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, और 100 को 100 के साथ, वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, और 100 को 100 के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 20 कितना हो जाता है, 2, 14 हो जाता है 5, और 31 हो जाता है 4। इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 452। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस तरह समझ के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ गया है, तो उसी तरह आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, कुछ करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि हम लोग को माइनस करना है। तो 30 फ्रॉम
30 फ्रॉम 90 इस तरह माइनस है, हॉरिजॉन्टली माइनस करना है हम लोगों को। तो कैसे, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह हम लोग 30 फ्रॉम 90 मतलब 90 में से 30 को माइनस करना है। तो इस तरह जब भी हम लोग हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम लोग 30 माइनस 90 नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े में हमेशा छोटा माइनस होता है, बड़े डिजिट में हमेशा छोटा डिजिट माइनस होता है। इसलिए हम लोग को फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को पहले रखना है, फिर फ्रॉम मतलब होता है माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, और फिर छोटे डिजिट को बाद में, इस तरह से। तो अब फिर से हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है वंस को वंस के साथ और टेंस को टेंस के साथ। तो जीरो में जीरो माइनस होने पे क्या हो जाता है, हमारा आंसर जीरो ही होता है, और नाइन में थ्री माइनस करने पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, सिक्स। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 126 फ्रॉम 387। इट मीन्स की 126 को माइनस करना है 387 में। तो बड़ा डिजिट यहाँ क्या है, 387। तो इसको पहले लिखेंगे 387, और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, तो हम लोगों ने इधर माइनस का साइन दिया है, और छोटा डिजिट है 126 को, इस तरह हम लोग लिख करके माइनस करेंगे। तो फिर से माइनस करने में वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, और 100 को 100 के साथ माइनस करते हैं। तो 7 में 6 माइनस करने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। 8 में 2 माइनस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 6, और 3 में 1 माइनस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 261। टोटल तो टोटल हमारा आंसर क्या आ गया, 261। ठीक है, तो अब 8 और 9 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने समझ लिया है। तो ठीक उसी तरह अब हम लोग को 10 और 11 भी समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, 32 प्लस 23। तो इसको सिंपली जैसे कि हम लोगों ने 8 और 9 को सॉल्व किया, उसी तरह 10 और 11 को भी सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग ऐड करके क्या लिख देंगे, फिर से वंस को वंस के साथ और टेंस के टेंस को टेंस के साथ ही हम लोग ऐड करते हैं। तो 3 और 2 हो जाता है 5, और 2 3 हो जाता है फिर से 5। तो हमारे पास 32 प्लस 23 को ऐड करने पे क्या रिजल्ट आता है, 55। तो नेक्स्ट 11 78 माइनस 24। फिर से हम लोग को माइनस करना है, तो 8 में से 4 माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 4, और 7 में 2 माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 5। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, 78 में 24 को माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आ गया है, 54। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। में भी हम लोगों को ऐड ही करना है। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली ऐड किया, इस तरह आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 38 में। तो अब हम लोग को वर्टिकली ऐड करना है। तो 21 45 एंड नेक्स्ट 10, इस तरह हम लोग इसको ऐड करेंगे, 3 डिजिट नंबर है। तो 1 5 और 0 को ऐड करने पे 1 5 प्लस 1 कितना हो जाता है, 6, और 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 हो जाता है 6, और 6 में 1 ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 7। इट मीन्स की 21 45 और 10 को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, 76। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में नंबर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स में लिखे हुए, उसको ऐड करना है हम लोगों को। तो पहले वो समझ के हम लोग ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा 140 ये वर्ड्स में आपके बुक में लिखे हुए हैं, और मैं इसको समझ के डिजिट में लिख रही हूँ, और आप लोगों को उसी तरह सॉल्व करना है। 140 215 नेक्स्ट 532 इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सब लोग इस तरह देखेंगे, सारे डिजिट हमारे काउंट करते हैं, 5 प्लस 2 कितने हो जाते हैं 7, और 7 में 4 प्लस
प्लस वन प्लस थ्री, तो फोर प्लस वन होता है फाइव, और फाइव में थ्री ऐड करने पे हमारा आंसर आता है एट. सॉरी, नेक्स्ट टू प्लस वन प्लस फाइव, तो टू वन प्लस कितना हो जाता है थ्री, और थ्री में फाइव को ऐड करने पे हमारा आंसर आता है 887. तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या है कि हॉरिजॉन्टली उसमें भी ऐड किया गया है और उसको आप लोगों को भी ऐड करना है. तो हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 415 प्लस 242 प्लस 100 साथ में ऐड करना है. तो फिर तीनों जितनी भी थ्री डिजिट यहाँ